जाकर सोएंगे, यहाँ पे आज नहीं रुकेंगे, घर जाएंगे, घर जाके सोएंगे। गंदम की जो है ना बारिश जो हो रही है ना, ये गंदम के लिए बहुत ही खतरनाक सीन बना हुआ है। करें कैसे, बादल जो है ना अजीब तरह से ही ना आ रहा है। या अल्लाह पाक, क्या करें, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर साफ है मौसम, सिर्फ इधर से आ रहा है बादल बस, और ये इधर से सारा आ रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा। बारिश हो गई शुरू, और अब अल्लाह पाक बेहतर करेगा कितनी एक होगी कितनी एक नहीं होगी, अल्लाह बेहतर करने वाला। बारिश शुरू हो गई, चेक करें जरा, बहुत तेज तेज हो रही, चेक करें कितनी तेजी से आ रही है। इस बारिश से गंदम को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, बादल उन हर तरफ हो गया, एक एक जैसा सारा बादल हो गया एक जैसा। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला, बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी जी, तो वेलकम बैक जी टू अनदर व्लॉग। माशाल्लाह, देख के सुबह के बादल थे, तकरीबन 12 बजे बारिश आई थी, तब मैं काम कर रहा था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं आ गया दोबारा काम पे, गया भी नहीं हूँ। तकरीबन ही जुम्मे के टाइम पे तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर बाद में मैं जुम्मे के बाद गया नहीं, मैं फिर घर आके ना लेट गया था, तो अभी अभी उठा, शाम हो गई तकरीबन। ये देखे सूरज जो है ना ग़ुरूब होने वाला है माशाल्लाह। उस दिन मैंने दिखाया था ये मक्की छोटी छोटी थी, तो इसको उन्होंने वो दाना वगैरह डाला माशाल्लाह, तो देखें कितनी बड़ी हो गई। उस दिन मेरे मेरे से ना छोटी थी, आज मेरे से बड़ी है। 3-4 दिन हो गए तकरीबन, सूरज तो बिग्रूप होने वाला ही है माशाल्लाह। चेक करें कैसा माहौल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सुबह से काम पे गया था सुबह सुबह उठ के, लेकिन दोपहर में बारिश जब हुई तो तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, फिर वापस आ गया था, तो आके लेट गया था, तो अभी उठा, लेकिन अभी भी ना आँखों में से पानी चल रहा है, और नज़ले की वजह से ना सर बहुत दर्द कर रहा है और जिस्म भी दर्द कर रहा है। तो अभी खैर मैं इधर आया हूँ, इधर टाली से ना एक क्वास बनाता हूँ, वो करूँगा ना तो थोड़ा सा मुँह से साफ हो जाता है। अभी यहाँ से तोड़ते हैं तो फिर चलते हैं बाहर घर, फिर अभी गांव में जाना, ठहरी पे आए लेकिन अभी जाना है गांव, गांव में वहाँ पे जाके अभी यारी शरीफ है ना, यारवीं शरीफ, तो दूध लेके जाना है, वो कह रहे थे शाम को जब दूध निकालेंगे ना गाय और भैंस का तो फिर लेके जाएंगे, तो अभी तक इधर ही है, शाम को इंशाल्लाह निकलेंगे घर फिर जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखो एक बारीक सी टहनी देखते हैं, जो काम आ जाए वही तोड़ लेते हैं और उसका भी कवाच बनाते हैं, फिर चलते हैं। शाम का टाइम है और देखें गंदम की कटाई कितनी हुई है, ये सारी की हो गई है, ये इधर ये भी हो गई है, देखें कितनी हो गई, तकरीबन गंदम काफ़ी जो है ना, काफ़ी गंदम की कटाई हुई, लेकिन अभी ना गीली बहुत है गंदम, लोगों ने फिर भी कटाई करनी शुरू कर दी। चेक करें सूरज अभी अभी ग़ुरूब हो रहा है बस, आगे बादल है नज़र नहीं आता, तो खैर अभी खाना खाने लगे, खा के फिर निकलते हैं गांव में जाकर सोएंगे, यहाँ पे आज नहीं रुकेंगे, घर जाएंगे, घर जाके सोएंगे। गंदम की जो है ना बारिश जो हो रही है ना, ये गंदम के लिए बहुत ही खतरनाक सीन बना हुआ है। ये हमारी लाडली बकरी है, मेरी वालदा इसको शाम को छोड़ देती है सुबह सुबह भी, और ये इधर भी खा लेती है चारा वगैरह, बाहर भी खा लेती है, जब ये फुल हो जाती है खुद ही जाकर बैठ जाती है अपनी मामा के पास, भी ये चारा पड़ा हुआ है ना उसमें लगी हुई है, बस अपनी पसंद का खाएगी, खा के सारा फिर चली जाएगी बाहर।
अभी हम लोग घर आ गए हैं, तो 11वीं शरीफ थी ना, तो इसलिए दूध लेके आए थे। तो अभी बस ना ये दूध वाली सेवियाँ बना रहे हैं। तकरीबन ही कुछ 15-20 मिनट तक ना ये तैयार हो जाएंगी। दूध तकरीबन ही मिला था हमें 2 से 2.5 3 3 किलो था मेरे हिसाब से। तो वो अभी सेवियाँ बना रहे हैं। मेरी बेटी को देखो, वो दस्ताने मिले हैं ना वहाँ उधर पड़े हुए थे, तो वो लेके आए हैं। तो वो पता नहीं क्या क्या कर रही है उनका।